गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई मुठभेड़ में देश की रक्षा के लिए प्रदेश के जिला हमीरपुर के कड़ोत्ता गांव के सैनिक अंकुश ठाकुर भी शहीद हुए थे। प्रदेश की जयराम ठाकुर ने शहीद के नाम पर गेट बनवाना, शमशान घाट तक सड़क सुविधा देने की घोषणाएं की थी, लेकिन एक साल पूरा बीत जाने के बाद अभी तक सरकार ने एक आध घोषणा के अलावा कोई और घोषणा को पूरा नहीं किया है। अंकुश के परिजनों ने कहा कि आजकल वह पानी की मूलभूत समस्या से जूझ रहे हैं। आईपीएच विभाग को समस्या से अवगत करवाया है, लेकिन समस्या जस की तस बरकरार है। शहीद अंकुश के पिता अनिल कुमार ने बताया कि आज एक साल अंकुश की शहादत को हो रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा की गई घोषणाएं पूरी नहीं की गई हैं। उन्होंने बताया कि शादी के 10 साल बाद अंकुश परिवार में आया था और अंकुश के जाने का आज भी गम है। उन्होंने बताया कि स्कूल का नाम अंकुश के नाम पर होना था तो सड़क का नाम भी उसी के नाम पर रखा जाना था। उन्होंने बताया कि आधा साल तो भागदौड़ में ही बीत गया और अभी भी घोषणाएं अधूरी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा भी शहीद का बुत बनवाने के साथ स्मारक बनाने का वायदा किया था, लेकिन सब अधूरे हैं। वो अंकुश को गए वो साल हो गया और जो हमारा समय यह काफ़ी कष्टमय बीता, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में 10 साल के बाद आया था, शादी के 10 साल के बाद में, और उसकी पीड़ा जो है वो कम नहीं हो रही है। और जो भी यहाँ पे घोषणाएं की, हमारी उस टाइम हालात ठीक नहीं थे, आज भी ठीक नहीं थे। गांव वाले फाइल लेके आए और यहाँ पे उन्होंने हमको बोला कि आप इनसे मांगो। हमने शिव साहब को बताया कि यहाँ पे जो स्कूल का नाम है वो अंकुश के नाम होना चाहिए, रोड का नाम होना चाहिए, और जो यहाँ गेट बनना था मोरी गेट, जो यहाँ पे जो NHS के ऊपर बनना था वो भी, और एक हॉस्पिटल का बताया था। लेकिन आधा साल तो जो रोड है वो ऐसे बीत गया कि जो उसमें हमारी पंचायत है वो यहाँ काम करती रही अपनी मर्जी से। हम जो कहेंगे DC के पास गए, वहाँ पे गए, वहाँ पर जाकर मैं बात किया, ये किया, वो किया, MLA के पास भी गए। MLA ने कहा कि जो आपका लिख रोड है एरिया बजट में नहीं आएगा। अभी जो है जो भी इसका 8 लाख रुपया DC मैम ने वहाँ पे यानी वो जो आपको दिया था उससे अभी काम हुआ है, लेकिन जो अंकुश का नाम को जो पैसा आना है वो अभी तक नहीं आया। इसे स्कूल का नाम है और इसमें जो उन्होंने किया वो एक जब इसमें जाए वो किया, लेकिन जब उसमें जो अच्छे से करना वो नहीं किया उन्होंने, यहाँ भी नौ या अच्छे लिखा जाए या कोई चीज़ किया जाए। और तीसरा गेट का था, वो गेट के बारे में आज 6 महीने बीत गए तो जो हमारे SDO साहब ने बोला था कि यानी एक जो भी NGO है या ग्राम सुधार की जो में है वहाँ पे वो अपना प्रस्ताव बनाएं और जो गेट के बारे में वहाँ पे लिख के दें। शहीद के पिता ने बताया कि घर में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है और पानी के लिए टैंकरों से आपूर्ति की जा रही है। वहीं इस बाबत IPH विभाग के अलावा जिला प्रशासन को भी लिखित तौर पर शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक पानी की समस्या का हल नहीं हो पाया है। और बाकी पानी की समस्या है वो पानी के बारे में 15 दिन हो गए जो इसमें जो मिसिजनों ने बताया कि पानी की समस्या जब वो नहीं वैसे की वैसे बनी हुई है। और पानी का टैंकर कल भी आया तो पानी यहाँ पे 2 घड़े पानी के आते हैं, तो हम गए बोला कि इसमें जो है इसमें यह जो भी अंकुश यह जब शहीद हुआ तो इसमें यहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री जी जयराम जी ने बोला था कि एक टैंक से पैप डाली जाएगी टैक्टी यहाँ पे जो पानी यहाँ पे रहेगा, लेकिन यहाँ ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। डिमांड वही है कि जो भी इन्होंने वादे किए हैं ये यानी वो उनको पूरा करें। इसमें स्कूल का हुआ है बस एक यहाँ पे, और इसमें रोड का काफ़ी मैं जो है काम चला था वो 8 लाख में वो इसमें ये वो थोड़ा सा बना हुआ, बाकी वो बंद हो गया। अब उसका आगे वाला पैसा कब आता है कब नहीं है वो उसके बाद काम होगा। कांग्रेस पार्टी ने भी घोषणा की थी कि यहाँ पे गेट बनाया जाएगा, नहीं यानी कि उनका कुछ नहीं हुआ। वो आए थे यहाँ पे बोला स्टेचू बनेगा, यहाँ की मिट्टी बनी हुई पेपर में दिया, लेकर यहाँ ग्राउंड पे कुछ नहीं। शहीद की माता उषा देवी ने बताया कि अभी तक शहीद के नाम पर की गई घोषणाएं पूरी नहीं की गई हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द इन घोषणाओं को पूरा किया जाए। और जो नल बताया था उसका भी कुछ नहीं हुआ, वो गांव वाले लगने नहीं दे रहे, एक ऊपर से पाइप पे नीचे को जा रहे हैं, नीचे ऊपर को फिर दोबारा हमारे घर के सामने लगाने नहीं दे रहे हैं गांव वाले। तो इसकी शिकायत भी की है आपने, तो क्या हुआ सर, कैसे क्या? विभाग वाले आते हैं और गांव वाले लगाने नहीं देते हैं, झगड़ा करते हैं बस। आज को 15 दिन हो गए, हमें भी शर्म लगती है कि हमारे बेटे ने साथ दी है, देश के खातिर दी है, और पाइपें इधर से उधर और हमारे घर के सामने रख के चले जाते हैं।
आज 15 दिन हो गए ऐसे ही होते हुए, हमें बहुत शर्म लगती है। भाग तो आता है सारा, वो बोल के जाता है जहाँ पानी है, प्रेशर है, उधर से दो। गांव वाले हैं उधर विभाग के सामने बोलते हैं कि हाँ ऐसे ही होगा। जब विभाग चला जाता है, जे इधर रहता है तो उसको धमकाते हैं और भगा देते हैं। तो क्या आपने इसकी शिकायत प्रधान से नहीं की, जो आपका मुखिया है यहाँ? प्रधान भी उधर ही होता है और गांव का सुधार सभा वाले भी उधर ही होते हैं। कोई सुनवाई नहीं है, इधर से उधर, उधर से इधर। ये हमारा अपनी ये थी जो नल हमारे को लगना था, बाकी तो सभी की सहूलतें हैं। हॉस्पिटल है सभी को है, स्कूल में है वो, उधर सभी के बच्चे पढ़ेंगे, रोड है उसमें भी सभी जाएंगे, हम भी जाएंगे और पूरे गांव वाले भी उसी रोड में जाएंगे। ये तो है नहीं कि हमारे खातिर है वो, बस एक नाला था वो भी लगने नहीं दिया। आज को 15-20 दिन हो गया ऐसे झगड़ा पड़ा है उसका, हम तो सामने जाते नहीं। वहीं शहीद के छोटे भाई आदित्य ने बताया कि सरकार ने किए गए वायदों को पूरा नहीं किया है और आज तक गेट का निर्माण भी नहीं हो सका है। सरकार ने जो भी वादे किए थे वो कोई भी नहीं हुआ पूरा, जैसे सड़क को बोला था वो भी नहीं हुआ पूरा, और गेट को बोला था वो भी नहीं हुआ पूरा, और पानी के लिए बोला था वो भी नहीं हुआ पूरा। हाँ, सरकार से यही मेरी यही मांग है कि सभी घोषणाएं पूरी की जाए और हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है। वहीं स्थानीय निवासी नंदलाल रनौत ने बताया कि शहीद के नाम पर की गई घोषणाओं को जल्द सरकार अमलीजामा पहनाए। उन्होंने कहा कि शहीद के घर में मूलभूत सुविधाओं को भी सरकार को जल्द पूरा करना चाहिए। आप कुछ जैसे आप कभी वार्ता कर रहे थे कि पानी की समस्या है, तो ये बेसिक नीड है हर आदमी की, जरूरी नहीं कि शहीद के परिवार की, हर आदमी की जरूरत है। तो डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि इन चीजों को जो है ना प्रायोरिटी पर, जरूरी नहीं है कि इनको नलके डिपार्टमेंट लाइन को फीडिंग कैपेसिटी बढ़ा के इनकी समस्या के साथ बाकियों की समस्या भी सॉल्व हो सकती है। तो पब्लिक के जो सहूलतें बढ़ाने के अलावा पारिवारिक बेसिक जरूरत तो पानी की जरूरत है, वो तो हर आदमी की जरूरत ही होनी चाहिए। तो इसके लिए विभाग को अपने लेबर पर इनिशिएट करना चाहिए कि फीडिंग कैपेसिटी लाइन की कम है तो लाइन बढ़ा दो ताकि इनकी समस्या सॉल्व हो जाए। बाकी पब्लिक जो लड़के के नाम से पब्लिक का भला हो रहा हो तो सबका भला हो, हॉस्पिटल डेवलप हो जाएगा, आम आदमी का भला होगा, आज के लिए नहीं फॉर एवर भला हो जाएगा, रास्ता बन रहा है वो भी सबके लिए वाला होगा। तो ये चीज़ें तो हर आदमी से जुड़ती हैं। हाँ, पानी की समस्या हो जैसे इनकी है, हर आदमी की है, खासकर ये जो सर अभी गर्मी वाला सीजन आता है इसमें हर आदमी ज़्यादा फेस करता है। डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि जो फील्ड में जो आदमी रहते हैं उनको एडवाइज करे कि तू ग्राउंड टू ग्राउंड जाके जिस आदमी की सफाई दे उसको डाइवर्ट करके कैसे सॉल्व करना है उसको प्रैक्टिकली करके देखे, ना कि कागजों में सॉल्व करके देखे। आपको बता दें कि गलवान घाटी में गत वर्ष 16 जून 2020 को हमीरपुर के अंकुश ठाकुर ने शहादत का जाम पिया था और शहीद होने पर कड़ौता में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि भी दी थी, तो उनके नाम पर कई घोषणाएं भी की थी जो आज तक अधूरी हैं, जिससे परिजनों को आज 1 साल पूरा होने पर भी घोषणाएं अधूरी रहने पर मलाल है।